आज हम बताएंगे मनुष्य कितनी गर्मी सहन कर सकता है। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस प्रश्न का उत्तर विभिन्न विभिन्न देशों व क्षेत्रों के लिए लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। भारत व दक्षिणी देशों के लोगों जितनी गर्मी सहन कर सकते हैं वह ठंडे देशों के लोग के लिए सहना मुश्किल हो सकता है। भारत में कई स्थानों पर तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मध्य ऑस्ट्रेलिया का तापमान तो कई बार 50 डिग्री से अधिक हो जाता है। धरती पर सबसे अधिक तापमान 57 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इसका तापमान कैलिफोर्निया की मौत की घाटी में होता है, इतना तापमान वहीं रिकॉर्ड किया गया है। वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रयोग भी किया है कि मनुष्य का शरीर अधिकतम कितना तापमान सह सकता है। पता लगा है कि नमी हवा में शरीर को धीरे धीरे गर्म किया जाए तो यह पानी के उबाल 100 डिग्री से कहीं अधिक 160 डिग्री तक का तापमान सहन कर सकता है। ऐसे ब्लैकडेन तथा चैटरी नामक के दो अंग्रेज वैज्ञानिकों ने प्रयोग द्वारा करके दिखाया है। इस प्रकार के लिए वे ब्रेड बनाने वाली एक भट्टी में कई घंटे तक वहां बिताया है। मनुष्य के शरीर की इस सहनशीलता का राज क्या है? असल में हमारे शरीर इस तापमान का एक अंश भी ग्रहण नहीं करता। शरीर अपना साधारण तापमान सुरक्षित रखता है। इस गर्मी के विरुद्ध उसका हथियार है पसीना। पसीने का वाष्पीकरण हवा की उस परत का ताप हजम कर जाता है जो हमारी चमड़ी के संपर्क में आती है। इसलिए ही उस हवा का तापमान सहने योग्य स्तर तक कम हो जाता है। इसके लिए दो शर्तें हैं। एक तो शरीर गर्मी के स्रोत के सीधे संपर्क में ना आए तथा दूसरा हवा पूरी तरह खुशक हो। हवा की नमी हमारे शरीर की गर्मी सहन करने की क्षमता पर गहरा प्रभाव डालती है। हम मई जून के दौरान 42 से 43 डिग्री से तापमान पर इतना तापमान महसूस नहीं करते जितना जुलाई अगस्त में उससे कहीं कम तापमान में करते हैं। मई जून में हवा खुशक होती है और पसीना का वाष्पीकरण तेजी से होता है। जुलाई अगस्त में हवा में कुछ अधिक नमी होती है जिससे वाष्पीकरण की गति बहुत ही धीमी हो जाती है।